आज हम लोग चंपारण चिकन बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास 700 ग्राम लगभग यहाँ पे चिकन है और इसके लिए मैंने 4 छोटे प्याज लिए हैं। अगर मीडियम साइज प्याज है तो 2 ही प्याज लेना है और इस प्याज को हम लोग डिफरेंट तरीके से काटेंगे। तो जनरली प्याज हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे कट करते हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें प्याज को इस तरह से कट कर लेना है और फिर इस तरह से काटना है, इस तरह से एकदम बिल्कुल लच्छे वाले प्याज बनेंगे और ये प्याज बहुत जल्दी गलते हैं। अच्छा, प्याज को आप किस तरह से काट रहे हैं इससे टेस्ट पे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्याज टमाटर इन दोनों के कट्स पे टेस्ट अंतर हो जाता है। तो प्याज इस तरह से काट लेंगे और ये देखिए बिल्कुल पतले पतले कट रहे हैं। चंपारण चिकन में क्या होता है कि सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग एक बार में डाल देते हैं मिट्टी के बर्तन में और फिर वो धीमी आँच पर कोयले पर पकती है। तो शहरों में कोयला तो है नहीं, यहाँ पर हम लोग गैस पर ही पकाएंगे। पहले प्याज कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया है, इसको एक बार इस तरह से मसल लेंगे तो ये सारा टुकड़े टुकड़े फैल जाएगा। अब चिकन में इसको डाल देना है। ये डाल दिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच दिया है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाले में जाएगा हल्दी, देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये मसाला जो है ये मैंने घर में प्रिपेयर किया है। इसमें है धनिया, जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले हैं। इसका रेसिपी भी मैं डाल दूंगी कि किस तरह से आप घर में सब्जी मसाला बना सकते हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल मार्केट में सब्जी मसाला बहुत बेकार निकल के आ रहा है, उससे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, सैंपल्स अच्छे नहीं आए हैं, तो हम लोग घर ही पे बनाएंगे। मैं जल्दी ही चैनल पे डाल दूंगी। हल्का सा गर्म मसाला, चूँकि ये घर का कुटा हुआ है तो काफ़ी तेज है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। ये डाल दिया मैंने। अब इसमें हमें ऐड करना है सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके, और ये चिकन मसाला है ये भी ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो मसाला मैंने ऐड किया है वो इनफ होगा। और ये मसाला भी कैसे प्रिपेयर करते हैं इसका भी मैं जल्दी से डाल दूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे ऑयल। नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो बड़े पीसेज हैं इसमें मैंने कट नहीं लगाया है, तो एक तो कट लगा देते हैं तो मसाला अंदर तक जाएगा। खासकर ये जो लेग पीस होता है इसमें कट लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर टेस्ट नहीं अंदर जाता है इसमें और फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये ऑयल डाल देना है। मैंने चढ़ा दी है मिट्टी की हांडी, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसको ऊपर से नीचे तक कोट कर लेंगे। ये हो गया। थोड़ा सा डाल देना है खड़ा गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च और अब इसमें डाल देंगे जो चिकन मैरिनेट किया था हमने। वन मिक्स कर लेते हैं। अब टमाटर को मैंने 4 बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, 2 छोटे छोटे टमाटर हैं। बड़े टुकड़ों में काटने से क्या होगा कि हल्का सा टेस्ट आएगा और आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी, हल्का सा टेस्ट आएगा। और जो प्याज अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है यानी कि कम ज़्यादा हो गया है तो उसके टेस्ट को ये बैलेंस कर देगा। अब इसको धीमी आंच पे पकने के लिए ढक देते हैं, ये पकता रहेगा। इसको कर देंगे पैक। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ का आटा भी पक गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से पक गया है। ये देखिए प्याज गल गया पूरा,
ग्रेवी में पानी नहीं डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे गर्म पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, दैट्स इट। ये देखिए क्या अच्छा मसाला बना है इसका।